ऑन एथ डे बाई गिविंग हर आल्फ मेड ग्रीटिंग कार्ड ओके शी चूज आलर्ड स्केट ऑफ पेपर यानी कि ओके मैंने कलर बताया हुआ है साइड ऑफ दैट पेपर मैयर नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर फाइन द एरिया ऑफ द पेपर शी चूज फॉर द कार्ड ये आपने फैंड करना अब क्वेश्चन की मीनिंग ये है Uh, कि किरण ने क्या करना है विश करना है एक कार्ड अपने टीचर को और वो जो कार्ड गिवन है उसकी हमें लेंथ गिवन है उसका आपने एरिया फाइंड करना है मतलब अगर uh, आप इसको ग्राफिकली अंडरस्टैंड करना चाहें कि मान लें कि हमारे पास ये एक कार्ड है ठीक है और कार्ड किस टाइप का एक स्केयर शेप कार्ड है स्केयर मीन्स क्या होता है जितनी वर्थ है उतनी ही लेंथ होती है ये एक स्केर बॉक्स बन गया एक स्केयर शेप बन गई है इस तरह से ऑलमोस्ट ठीक है रफली आप इसको मानने के ठीक ही ही है, ये है? ओके अब आप, आपके पास गिवन डाटा के अकॉर्डिंग ये बात यहां पर हो रही है कि हमें इसकी लेंथ गिवन है कार्ड की तो वो कितनी है नाइनटीन पॉइंट फाइव अगर एक लेंथ नाइनटीन पॉइंट फाइव है की तो हर लेंथ क्या होगी नाइनटीन पॉइंट फाइव ही होगी तो विर्थ भी क्या होगी नाइनटीन पॉइंट फाइव और हमने करना क्या है हमने यहाँ पर इसके शेप का एरिया फाइंड करना है एरिया आप स्केयर का कैसे निकालते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ उसका फार्मूला है ठीक है तो आपने यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करना है इस केस के लिए यानी कि एरिया ऑफ दिस ग्रेटिंग कार्ड एरिया ऑफ ग्रेटिंग कार्ड इज इक्वल टू वो होगा उसके लिए आपने लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ यानी कि जो स्केर का फार्मूला है बिकॉज हमारे पास जो शेप है कार्ड की वो स्केल शेप है तो आपने उसका एरिया फाइंड करने के लिए जो लेंथ गिवन है एक आपने उसी को उसी नंबर के साथ करना है मल्टीप्लाई तो लेंथ हमारे पास यहाँ पर है 19.5, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 19.5 के साथ ही ठीक है अब दोनों को आप करें मल्टीप्लाई तो आंसर हमारे पास 19.5 को आपने करना है 19.5 से मल्टीप्लाई अब दो डेसिमल नंबर्स को किस तरह हम करते हैं मल्टीप्लाई ये आपने प्रीवियस मेरी वीडियोस के अंदर अंडरस्टैंड किया होगा मैंने उसमें बता भी चुका हूँ ठीक है तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल भी दूंगा तो आप उसको पहले वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं ठीक है तो 19.5 पॉइंट का जब हम स्केर लेंगे या इसको इसी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास ये आंसर आएगा थ्री और एरिया हमने फाइंड किया एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर स्केल स्केर यूनिट्स होते हैं ठीक है तो ये हमारे पास उस ग्रीटिंग कार्ड का एरिया आ चुका है जो उसने अपनी टीचर को विश करना है दैट्स इट अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर फोर हो चुका है ठीक है फाइव हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो कि हमें गिवन है द ए एरिया ऑफ अ स्केयर प्लॉट इस नाइन हंड्रेड मीटर स्क्वेयर ओके फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट हमें एक प्लॉट भी बनना है ठीक है प्लॉट हमारे पास एक है उसका हमें एरिया का पता है हमें एरिया का पता है सारा उसकी ठीक है लेकिन हमारे पास जो उसकी लेंथ है वो नहीं है वो आपने फाइंड करनी है यानी कि हमारे पास मान लिया कि ये एक प्लॉट है स्केयर शेप अगेन हमें इस सारा एरिया का पता है ये सारा जो एरिया है उसका हमें पता है ठीक है आप एरिया जब आपको बताओ उसकी लेंथ आपने फाइंड करनी हो ठीक है तो एरिया का फार्मूला क्या होता है एल्स के तो यहां से लिखें एरिया ऑफ द प्लॉट वो हमें गिवन है नाइन हंड्रेड मीटर स्केर ठीक है आप हमें क्या चाहिए हमें जो प्लॉट है उसकी लेंथ को फाइंड करना है ये लेंथ ठीक है अब स्केल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी हर साइड की जो मेजरमेंट है वो इक्वल होती है तो अगर ये लेंथ है तो ये भी क्या होगी इसी लेंथ के इक्वल होगी ओके तो इसके लिए आपने यहां लिखें लेंथ टू बी फाइन ओके एरिया का फार्मूला आपने यहां पर अप्लाई करना बिकॉज हमारे पास एरिया का नंबर है एरिया हमारे पास है तो एरिया का जो आप यहां पर फार्मूला अप्लाई करेंगे वो फार्मूला होता है एल स्क्वायर ठीक है अब एल स्केर हमारे पास है, कितना यानी कि आप सिंपल यहाँ पर लिख लें एरिया हमें कितना गिवन है वो हमारे पास है नाइन हंड्रेड इज इक्वल टू एल स्केयर ऐसे ये जो आपको चीज गिवन है वो आप लिख दें अब एल स्केयर में आपने जो स्कीर है वो ऑफ करना है बिकॉज हमें जस्ट लेंथ चाहिए एल चाहिए तो उसका जो स्केयर है वो ऑफ करेंगे अब स्केयर को ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं स्केयर को ऑफ करने के लिए हमने अप्लाई करना होता है स्केयर रूट तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे स्केयर रूट ऑन बोथ साइड सो अप्लाइंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड ये हमारे पास आ जाएगा नाइन हंड्रेड स्केयर रूट और यहाँ पर आएगा स्केयर रूट ऑफ एल स्केर तो यहाँ से हमारे पास जो एल का स्केयर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्केयर uh, रूट से तो लेंथ हमारे पास यहाँ पर सिंपल आ जाएगी अंडर रूट नाइन हंड्रेड ये जब आप सॉल्व करेंगे प्रॉपर डविजन मेथड के थ्रू तो ये आएगा थर्टी और ये जो नाइन हंड्रेड है ये वन पॉइंट एटीन का क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट था ठीक है आप उसको वहाँ से जा देख भी सकते हैं इसको मैंने प्रॉपरली वहाँ पर जाके आपको अंडरस्टैंड करवाया था तो लेंथ हमारे पास उस प्लॉट की जो आई है वो कितनी आई है वो है थर्टी मीटर्स दैट्स इट तो इस तरह आपने इनका लेंथ uh, इसकी आपने फाइन कर लेनी है नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे पास यहाँ पर है फोर हंड्रेड स्टूडेंट्स सेट इन आर इन रोज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज इन इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर रो ये आपका क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आप कह लें वन की तरह का है उसमें हमने क्या किया था हमने उस नंबर का जस्ट फाइंड किया था स्के रूल ठीक है तो यहाँ पर भी आपने इसी नंबर का स्के रूल फाइंड करना है टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दूकॉज आपने फाइंड यहाँ पर यही करना है कि जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने ही उन रोज के अंदर आएंगे स्टूडेंट्स ठीक है तो अगर आपने मेरी इस एक्सरसाइज की पहली वीडियो नहीं देखी क्वेश्चन वन ऑटो की तो क्वेश्चन वन को आप पहले वहाँ से अंडरस्टैंड कर लें ठीक है फिर आपको ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ बिल्कुल सिंपल आपको फील होगा आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक है बिकॉज वो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था जैसे यहाँ पर नंबर चेंज हो रहा है स्टेटमेंट सारे की सारी वही है आपके पास नंबर है फोर हंड्रेड आपने करना क्या आपने इस नंबर का फाइंड करना जस्ट के रूट अब वो क्या आएगा वो आपके पास मैं जस्ट बता रहा हूँ वो ट्वेंटी आएगा यानी कि ट्वेंटी आएंगे स्टूडेंट्स हर रो के अंदर ट्वेंटी ही रोज आएंगी और ट्वेंटी ही स्टूडेंट्स हर रो के अंदर बैठ पाएंगे तो ये आपका आज क्वेश्चन है ये आपने प्रॉपरली इसको उस वे में सॉल्व करना है ठीक है आंसर इसका मैंने लिख दिया है कि इस वे में सॉल्व होगा सो so, सो so, आपने इन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा अब फिर भी कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं हम आपको लाजमी रिस्पॉन्ड करते हैं ठीक है ओके तो इसके साथ ही हमें दे इजाज़त अल्लाह हाफिज़